हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है और कैसे हम उसको यहां पे प्रूव करते हैं। इस पे बेस्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, कैसे हम यहाँ पे प्रूव करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, पर इससे पहले मेरे इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें बेसल फंक्शन होता क्या है, रिकरेंस रिलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए मैंने उसके बाद ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, देन मैंने रोड्रिगेस फार्मूला का प्रूफ एंड उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिए। सो यहाँ पे IIT-12 यहाँ पे मेरे पुराने सभी वीडियोज देख सकते हैं। स्टूडेंट सीरीज सॉल्यूशन है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, BSc वाले, IIT-JAM और गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे अपलोडेड है। सो प्लीज आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे होता क्या है, जेनेटिक फंक्शन ऑफ ए लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये होती है ना, ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। सो यहां पे इस टाइप की इक्वेशन होती है। स्टूडेंट सीरीज सॉल्यूशन जब मैंने कराया था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो मेरा जो सीरीज सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट वहां पे आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने बताया था वहां पे इसका जो सॉल्यूशन होता है वो y = a p n x + b q n x, और जहां पे q n x जो होता है वो सेकंड काइंड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है और जो p n x होता है उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, राइट। अब आपको प्रूव क्या करना है, लाइक जनरेटिव फंक्शन कहता क्या है। एक्चुअली ये जो इतनी बड़ी सीरीज है इसको एक्सप्लेन करना बहुत भारी है ना। तो यहां पे ये बोलता है कि ये जो एक्सपांशन है 1 - 2xz + z² - 1/2, इस एक्सपांशन के अंदर z की पावर n का जो कोफिशियंट होता है वो pnx, मतलब ये आएगा, है ना। अब बात करें कि z पावर 1 का कोफिशियंट क्या आएगा, तो वो आएगा p1x। z पावर 2 का कोफिशियंट क्या आएगा, तो वो आएगा p2x। z पावर 3 का कोफिशियंट क्या आएगा, तो आएगा p3x। इसी टाइप से इस एक्सपांशन में अलग अलग पावर के जो कोफिशियंट्स होते हैं वो p1 p2 p3 pn को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे और इसी को जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। जनरेटिंग फंक्शन का मतलब ये होता है ये लीजेंड्रे जो pnx है इसको क्या करता है, जनरेट करता है, राइट। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो ऐसा पूछा जाएगा शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या एग्जाम में ये ऐसा पूछा जाता है टू शो दैट pnx इज अ कोफिशिएंट ऑफ z पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इन असेंडिंग पावर ऑफ z। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसके एक्सपेंशन के अंदर जो z पावर n का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, pnx होता है। तो स्टूडेंट इसको कैसे प्रूव करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं यहां पे। तो सबसे पहले हम यहां पे यहां से स्टार्ट करेंगे 1 - 2xz + z² - 1/2। स्टूडेंट यहां से हम क्या करेंगे, z कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो मैं यहां से z कॉमन लेता हूं, माइनस का z कॉमन लिया तो अंदर कितना बन रहा है 2x + z^(-1/2) और यहां पे हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। सो यहां से इसको हम ओपन करेंगे, एक्चुअली यहां पे हमने माइनस भी कॉमन लिया तो यहां माइनस आ जाएगा, देन स्टूडेंट यहां पे कितना आएगा ये 1 - - प्लस हो जाएगा 1/2z (2x - z) + 1.3 (2.4), ये आएगा z (2x - z)² है ना, इस तरह से चलता जाएगा यहाँ पे। सो ये आएगा 1.3.2n - 1/2 (2.4.2n) जाएगा, देन ये आएगा z^(n) (2x - z)^(n), राइट। ये अलग अलग टर्म है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सभी टर्म्स के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो पावर लाइक z^(n) का कॉफिशियंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इस एक्सपेंशन के अंदर हम चेक करते हैं कि z^(n) का कॉफिशियंट क्या होता है। सो मैं आपको भी बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये टर्म आएगी हमारे पास, देन अब देखिए यहाँ पे z^(n) का कॉफिशियंट। तो सबसे पहले आप इस टर्म के अंदर देखेंगे तो इस टर्म में z^(n) का कॉफिशियंट क्या होगा। सो नाउ कॉफिशियंट ऑफ z^(n) इन दिस टर्म, राइट। तो देखो इसको खोलेंगे हम यहाँ पे, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे 2x^(n) देन फिर अलग अलग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे तो बहुत सारी टर्म आएगी, पर अपने को z^(n) तो वैसे ही ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ 2x^(n) को लेना है इसके साथ और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो z^(n) का जो कॉफिशियंट आएगा, लाइक अगर मैं इसको खोल के बताता हूँ, देखो ये आएगा 2x^(n) है ना -nc1 2x^(n-1) z^(1), इस तरह से। तो जैसे z^(n) इससे मल्टीप्लाई हुआ तो z^(n) आएगा, पर जैसे इससे मल्टीप्लाई हुआ तो z^(n+1) आ जाएगा, तो वो आपके काम का नहीं है। तो z^(n) का जो कॉफिशियंट आएगा वो सिर्फ ये आएगा यहाँ पे, है ना, ये 2x^(n) आ जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 2, 4 है ना, इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, है ना। तो देखो 2 यहाँ से भी निकलेगा, 2 यहाँ से भी निकलेगा, सबसे 2 निकलेगा, तो n टाइम है तो 2n हो जाएगा, देन ये आएगा 2^(n)(x^(n), देन 2^(n) से 2^(n) क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, देन आएगा 1.3.2n-1/(n)n (x^(n). सो इस तरह से हम यहां पे करेंगे। नाउ अब वापस कॉफिशियंट ऑफ z^(n) इससे पहले वाली टर्म, तो स्टूडेंट इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, देखो 1.3. यहां पे कितना आएगा 2n-3 हो जाएगा, देन ये आएगा 2.4 2n-2 टर्म हो जाएगा, देन ये आएगा z^(n-1), ये आएगा आपके पास
2x minus z power n minus 1, right? तो ये टर्म आएगा और यहाँ माइनस भी आएगा बिकॉज अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, राइट? ओ सॉरी, दिस इज प्लस प्लस ना, तो ये भी प्लस ही आएगा, क्लियर है? तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म के अंदर हम देखेंगे कि z पावर n का कोफिशियंट क्या है, तो इसकी अगली टर्म लेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको आपको यहाँ समझाता हूँ कि वो टर्म क्या होगी। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसका z पावर n का कोफिशियंट अपनों ने ले लिया। नाउ इससे पहले वाली जो टर्म है इसका z पावर n का कोफिशियंट क्या होगा, तो इससे पहले वाली टर्म के अंदर देखते हैं। नाउ कोफिशियंट ऑफ z पावर n इन दिस टर्म, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, है ना? तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको खोलूंगा, तो देखो यहाँ मैं इसको खोल के बता रहा हूँ, ये आएगा z पावर n देन 2x पावर n माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 सी 1 देन ये आएगा z पावर 1 और ये आएगा इनटू, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इनटू ये आएगा 2x पावर n माइनस 2। इस तरह से ये एक्सपांशन बनता रहेगा। तो z पावर माइनस n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, तो ये z पावर n है तो इसका कोफिशियन क्या आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा और ये, तो ये है वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे और ये माइनस भी यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा z पावर n का, और आगे की टर्म तो ऐसे किसी रहेगी रहेगी यहाँ पे, राइट? अब देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम टर्म बन जाए, तो ये 2n माइनस 1 हमें चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा 2n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, और नीचे मुझे n फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं n से भी ऊपर नीचे, ये आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, देन ये तो एज इट इज आप रहने दीजिए, 2 इसके अंदर से बाहर निकाल दिया, x पावर n माइनस 2 हो गया, देन अब ये माइनस को आगे लिख दिया स्टूडेंट, ये पूरी टर्म यहाँ हमने लिख दी इस मिला के इसको, है ना, क्योंकि इसके नेक्स्ट टर्म ये आएगी, देन इस n को आप एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे, ये n और n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या होगा 2 हमने कॉमन निकाला, तो ये n माइनस 1 तक जा रहा, तो 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा, देन ये आप n इसके साथ मर्ज करेंगे तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर n माइनस 2 है, नीचे 2 पावर n माइनस 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना? तो जैसे आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, या आप एक काम कर दीजिए, इसमें से 2 एक बाहर निकाल दीजिए आप, तो जैसे इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा, देन ये टर्म से ये टर्म भी क्या हो जाएगी कैंसल, तो यहां से हमारे पास आएगा ये 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और ये आएगा n इंटू n माइनस 1 टू 2n माइनस 1 x पावर n माइनस 2, सो हम यहां लिखेंगे एंड सो ऑन, यहां लिखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है? नाउ सो कोफिशिएंट ऑफ z पावर n इन एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 is equal to, देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, ये है, सेकंड टर्म कौन सी है, ये है, तो इसमें से देखो ये टर्म कॉमन आ रही, तो मैं इसको कॉमन निकाल देता हूं, 1.3, है ना? अब टू कहां जाएगा, ये 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, मैं कॉमन निकाल लेता हूं, आप चाहो तो कॉमन निकालो, नहीं तो ठीक है, पर हम यहां कॉमन निकाल लेते हैं, तो वहां से बचेगा ये x पावर n, और फिर यहां माइनस ये टर्म आएगी, क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू x पावर n माइनस 2, इस तरह से हमारे पास टर्म आती जाएगी, और स्टूडेंट यही हमारा पी एन एक्स का क्या होता है, फार्मूला होता है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, पी एन एक्स। तो इसका मतलब z पावर n का कोफिशिएंट क्या होता है, पी एन एक्स होता है। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा और बताता हूँ उधर से हटा के कि आप ये कैसे करेंगे, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या होता है। जब इसका प्रूफ होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जेड कॉमन लेते हैं, देन इसको हम खोलते हैं, तो ये हमारा फार्मूला होता है, देन इस एक्सपेंशन के अंदर सबसे पहले जो लास्ट टर्म है इसका जेड पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे, जेड पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे तो ये टर्म आएगी हमारे पास, देन इससे जस्ट पहले वाली टर्म के अंदर जेड पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे, फिर उससे जस्ट पहले वाली टर्म का जेड पावर n का कोफिशिएंट, ऐसे सब जितने भी जेड पावर n के कोफिशिएंट को एड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें पी एन एक्स मिलेगा। इसी टाइप से अगर हम z पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पी एन माइनस 1 एक्स आ जाएगा। इसी टाइप से हम z पावर 2 का कोफिशिएंट देखेंगे तो z पावर n माइनस 2 का देखेंगे तो वो आ जाएगा पी एन माइनस 2। तो ऐसे हम करेंगे तो इसको हम सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे यहाँ पे एंड करता हूँ क्वेश्चन का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया था ये हो गया, देन वी फाइंड द पी वन एक्स पी टू एक्स ऐसे पी थ्री एक्स विल बी कोफिशियंट ऑफ जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब डैश 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 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस जेड पी वन एक्स जेड स्क्वायर पी टू एक्स डैश 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 जेड पावर एन पी एन एक्स, है ना? जेड पावर एन का कोफिशियंट पी एन एक्स होता है ना, जेड स्क्वायर का कोफिशियंट पी टू होगा, जेड का कोफिशियंट पी वन एक्स होगा ना, इस तरह से हम करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यही आपको प्रूव करना था, तो कभी भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जेनेटिक फंक्शन को प्रूव करना, तो आपको इस तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। इस पर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ जो कभी कभी इस पर
टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और स्टूडेंट इसके जितने भी रिकरेंस रिलेशन है लीजेंड्रे के अंदर वो भी जेनेटिक फंक्शन की हेल्प से ही प्रूव किए जाते हैं। सो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेने वाला हूं। अभी यहां पे दो क्वेश्चन लूंगा, देन इसको हम खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन और है, प्रूव दैट PN1 इज इक्वल टू 1। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन प्रूफ में एग्जाम में आ जाता है, तो क्या करते हैं हम जानते हैं यहाँ पे 1 - 2xz + z² पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity z पावर n PnX होता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे तो ये आएगा 2z z² -1/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity zn pn 1 हो जाएगा यहाँ पे। और स्टूडेंट ये किसका होल स्क्वायर होता है, 1 - z का होल स्क्वायर होता है, पावर -1/2 है ना, समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity z पावर n pn 1। देन ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - z की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity z पावर n pn 1। और स्टूडेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम जानते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 - x का इनवर्स क्या होता है, 1 + x + x इस तरह चलता है, और 1 + x का जो इनवर्स होता है वो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या आएगा, सभी टर्म क्या आएगी, प्लस की आएगी, 1 + z + z² है ना, z पावर n चलता रहेगा, इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity PnX। नाउ कॉफिशेंट ऑफ z पावर n, तो बेटा z पावर इक्वेटिंग कॉफिशियंट ऑफ z पावर n, तो इधर z पावर n का कॉफिशियंट कितना 1 है, इधर z पावर n का कॉफिशियंट कितना है PN1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको ये प्रूव होती है कि PN1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, क्योंकि इसका z पावर n का कॉफिशियंट PN1 है, इधर z पावर n का कॉफिशियंट कितना है 1 है। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्रूव दैट PN-X इज इक्वल टू -1 पावर n PnX, और आपको प्रूव भी करना है इसके साथ कि PN-1 इज इक्वल टू -1 पावर n। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, 1 - 2xz + z² -1/2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity z पावर n PnX होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू -x, यहाँ पे x की जगह -x रखते हैं, तो स्टूडेंट जैसे ही x की जगह -1x रखेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -1/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity z पावर n PN-X। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट z इज इक्वल टू -z है ना, इसी के अंदर z की जगह -z रखते हैं, तो z की जगह -z रखेंगे तो स्टूडेंट ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2z और -z का स्क्वायर क्या होता है, z स्क्वायर ही होता है, -1/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity ये आएगा -z पावर n PNX। क्लियर है ना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2, अगर 1 और 2 दोनों को देखें हम, तो यहां पे n इज इक्वल टू 0 to infinity z पावर n PN-X - x, मतलब ये वैल्यू है ना किसके बराबर होगी, उसके बराबर होगी, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity में इस माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, -1 पावर n zn PnX है ना। नाउ इक्वेटिंग, ये पावर है ना, इक्वेटिंग कॉफिशियंट ऑफ z पावर n ऑन बोथ साइड, दोनों की साइड में z पावर n का कॉफिशियंट देखेंगे तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, PN-X इज इक्वल टू -1 पावर n PnX। नाउ अब क्या करें, ये तो वैसे प्रूव हो गया आपका, अब ये सेकंड वाला प्रूव करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा -1 पावर n PN1, और हम जानते हैं PN1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो ये बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 पावर n। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मुझे लग रहा है आपके एग्जाम अभी आने वाले हैं तो ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे, और मैं आगे और भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला, लाइक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, देन उसके बाद रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंडरे पॉलीनोमियल है, उसके बाद फिर मैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एंड उसके बाद वेरिएबल जो सेपरेबल मेथड है, लाइक फॉर द पार्शियल डिफरेंशिएशन में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, इन पे भी वीडियोस लेने वाला हूँ। स्टूडेंट बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, जून जुलाई अगस्त में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी मैं आपके साथ सामने MCQs लेके आने वाला हूँ। सो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।